आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ऑनलाइन प्रैक्टिकल कैसे करें के बारे में बताना चाहता हूं। अभी कोविड-19 के कारण स्कूल बंद हैं। यह सत्र भी करीब करीब आधे से ज्यादा पूर्ण हो चुका है, अतः स्कूलों में जाकर प्रैक्टिकल करना अभी संभव नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.olabs.edu.in पर लॉगिन करना पड़ेगा। इसमें लॉगिन के बाद आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के प्रैक्टिकल मिलेंगे। इसमें सभी प्रैक्टिकल हमारे सिलेबस के अनुसार हैं। इसमें सबसे ऊपर आपको होम, अबाउट, इन द न्यूज़, ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन, कॉन्टेक्ट अस और लॉगिन दिखाई देगा तथा लैंग्वेज भी दिखाई देगा। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, वहां पर शिक्षक, छात्र व स्कूल डिस्प्ले होगा। आप जैसे ही छात्र पर क्लिक करेंगे, तैसे ही वहां रजिस्ट्रेशन खुल जाएगा। छात्र को उसका रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने के बाद छात्र उसको बंद करेंगे तथा लॉगिन पर जाकर पुनः लॉगिन करेंगे। यदि आप उसमें फिजिक्स के प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स को क्लिक करेंगे, उसमें फिजिक्स के प्रैक्टिकल ओपन हो जाएंगे। उसमें CBSE के कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के प्रैक्टिकल हैं। जिस कक्षा के जिस प्रैक्टिकल को आप करना चाहते हैं उसे आप क्लिक करें। जैसे ही आप प्रैक्टिकल को क्लिक करेंगे, वह प्रैक्टिकल ओपन हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि आपने ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल क्लिक किया तो ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल खुल जाएगा। उसमें सबसे ऊपर थ्योरी, प्रोसीजर, एनिमेशन, सिमुलेटर, वीडियो, वाइवा, रिसोर्सेस और फीडबैक डिस्प्ले होगा। यदि आपने थ्योरी को क्लिक किया तो ओम्स लॉ की पूरी थ्योरी वहां पर आ जाएगी। उसे आप पढ़कर प्रैक्टिकल की पूरी थ्योरी जान जाएंगे। उसके बाद आप प्रोसीजर को क्लिक करें तो आपको प्रैक्टिकल के बारे में पता चल जाएगा कि वह प्रैक्टिकल आप कैसे करेंगे। अतः आप प्रोसीजर पूरा पढ़ें और प्रैक्टिकल करना जान लें। तब आप एनिमेशन को क्लिक करें, उसमें आपको सर्किट डायग्राम मिल जाएगा तथा वहां पर प्रैक्टिकल का वीडियो आएगा, जिसे देखकर आप प्रैक्टिकल कैसे करना है सीख जाएंगे। उसमें सभी चीजें विस्तार से दी गई हैं तथा प्रैक्टिकल के कनेक्शन कैसे करेंगे यह भी वीडियो में बताया गया है। इसके बाद उसमें रीडिंग कैसे लेनी है तथा उस रीडिंग को टेबल में कैसे फिल करना है यह भी बताया गया है। रीडिंग लेने के बाद आप ग्राफ कैसे बनाएंगे तथा उस ग्राफ से कैलकुलेशन कैसे करेंगे यह भी इस वीडियो में पूरी तरह से बताया गया है। कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट कैसे निकालना है यह भी इस वीडियो में दिया गया है तथा स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होगा यह भी इस प्रैक्टिकल में दिया गया है। इसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है यह भी लिखा है। अतः प्रैक्टिकल करने के बाद हमें इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसे एक या दो बार करके देखें, आप प्रैक्टिकल करना सीख जाएंगे। इसके बाद आपको सिमुलेटर को क्लिक करना है, जिसमें आप अपनी ओर से मेटल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेंथ ऑफ वायर सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर डायमीटर ऑफ वायर सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम सेलेक्ट करके आप सही सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। उसके बाद आप सर्किट करना स्वयं से सीखें। आप खुद से उसके सर्किट को जोड़ें। यदि सर्किट कहीं भी गलत होगा तो वह जुड़ नहीं पाएगा। इस प्रकार से आप सही सर्किट जोड़ना भी सीख जाएंगे। उसी से संबंधित रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप वीडियो देखकर कनेक्शन कैसे करें यह सीख लें। उसके बाद आप वाइवा पढ़ें, उससे आपको पता चल जाएगा कि वाइवा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद रिसोर्सेज आप देखें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। अतः ऑनलाइन प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं तथा यह प्रैक्टिकल CBSE के सिलेबस के अनुसार हैं। इनसे आप CBSE के सिलेबस के सारे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इसमें कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 व कक्षा 12 के प्रैक्टिकल हैं तथा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स व इंग्लिश के प्रैक्टिकल हैं। आपको इन प्रैक्टिकलों को करना है। आप प्रैक्टिस करें, आपको लगेगा कि आप लैब में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं।
इससे में प्रैक्टिस करने से आपको वही अनुभव होगा जो लैब में होना चाहिए। बच्चों, अभी हमारे पास प्रैक्टिस करने का यही सबसे अच्छा तरीका है, इसका प्रयोग हमें करना है, इसको हमें सीखना चाहिए। कोविड-19 में स्कूल बंद होने से हम लैब में जाकर प्रैक्टिकल तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम घर पर ही इन प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्कूल खुलने पर लैब में वास्तव में इन्हें करके हम देख सकते हैं। मुझे लगता है हमारी समस्या कुछ हद तक इससे सुलझ जाएगी, हमारे प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे, हमें अनुभव भी मिलेगा। अतः आप सबसे पहले ओलैब्स पर स्वयं को रजिस्टर करें, फिर प्रैक्टिकल करें। यदि कोई समस्या आए तो आप हमसे बात करें। कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, अतः शुरू तो करें, आप सीख भी जाएंगे और प्रैक्टिकल भी हो जाएंगे। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।